Welcome students, in this video modulation part 1. इसमें हम जानेंगे कि modulation क्या होता है और इसकी आवश्यकता क्यों है। कोई भी सिग्नल है, जिसे मैं बोल रहा हूँ वॉइस सिग्नल, इसकी जो फ्रिक्वेंसी है वो 20 से 20,000 साइकिल पर सेकंड है। इस सिग्नल को कितनी दूरी तक हम भेज सकते हैं, 100 मीटर, 200 मीटर, उसके बाद आवाज़ नहीं आएगी, ये सिग्नल उससे आगे नहीं जाएगा, ये एटमॉस्फेयर में डिसिपेट हो जाएगा। हमें ज्ञात हुआ कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं, विद्युत चुंबकीय तरंगें, वो बहुत ज़्यादा दूरी तक जा सकती हैं, कई किलोमीटर तक जा सकती हैं, और उसकी जो एनर्जी है उसमें कोई कमी नहीं आती, कोई अप्रिशिएबल कमी नहीं आती। तो क्यों ना हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स से ट्रांसमिशन का काम करें लॉन्ग डिस्टेंस पर भेजने के लिए। अब समस्या यह है कि ये जो सिग्नल है इसको हम इलेक्ट्रिकल में कन्वर्ट कर लें, ऑडिबल सिग्नल को इलेक्ट्रिकल में कन्वर्ट कर लिए, तो उसकी फ्रिक्वेंसी 20 से 20,000 साइकिल पर सेकंड, तो 20,000 साइकिल पर सेकंड ये फ्रिक्वेंसी का सिग्नल है, इसको इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट करें, एंटीना पर भेजें और एंटीना से एटमॉस्फेयर में रेडिएट करें। लेकिन एंटीना की जो साइज़ है उसकी, वो जो वेव हमको ट्रांसमिट करना है उसकी वेवलेंथ के बराबर होना चाहिए। तो हम देखेंगे ऑडिबल सिग्नल की वेवलेंथ कितनी। तो अगर ऑडिबल सिग्नल को हमने इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट किया और उसको हम भेजना चाहते हैं एटमॉस्फेयर में, तो मीटर डिवाइडेड बाय दिस फ्रीक्वेंसी विच इज 20,000 साइकिल पर सेकंड, तो इसकी जो वेवलेंथ आती है 2.5 × 10⁴ मीटर, तो इतना बड़ा एंटेना होना चाहिए 1.5 × 10⁴ मीटर साइज का। तो इस फ्रिक्वेंसी की जो सिग्नल है इलेक्ट्रिकल सिग्नल, वो एटमॉस्फेयर में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के रूप में रेडिएट हो। लेकिन ये इम्प्रैक्टिकल है क्योंकि इतना बड़ा एंटेना बनाना संभव नहीं। तो क्यों ना हम इस फ्रिक्वेंसी को बढ़ाएं। तो हम ऐसा करते हैं कि रेडियो फ्रिक्वेंसी वेव्स को लेते हैं, और रेडियो फ्रिक्वेंसी वेव्स यदि हम लें जिसकी फ्रिक्वेंसी मेगाहर्ट्ज रेंज में होती है, तो उसकी वेवलेंथ ये है ऑडिबल रेंज में और हम माइक्रो आर रेडियो वेव्स ये लें, तो इनकी जो फ्रिक्वेंसी है वो मेगाहर्ट्ज ऑर्डर की होती है। तो मान लीजिए कि हमको 30 मेगाहर्ट्ज या 20 मेगाहर्ट्ज की हमने इलेक्ट्रिकल सिग्नल ये लिया, तो लैम्डा कितना आता है, तो ये आ गया 1.5 × 10 मीटर, तो ये हो गया 10 मीटर। तो हम इस रेंज में अगर चलते हैं मेगा साइकिल रेंज में, तो एंटेना की जो साइज आती है वो वेवलेंथ की साइज यानी 10 मीटर 15 मीटर, तो हम इसको फ्रीक्वेंसी को एडजस्ट करके और इसको एक इस साइज पर ला सकते हैं कि हम जिस साइज का एंटेना बना सकें। तो लॉन्ग डिस्टेंस पर भेजना है, इसलिए हमको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स लेना है, और एंटेना की साइज छोटी हो इसलिए हाई फ्रिक्वेंसी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हमको लेना। तो हम ये करते हैं कि हाई फ्रिक्वेंसी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को लेते हैं और उसको हमारे सिग्नल के हिसाब से जो हमको भेजना है, जिसको हम मॉड्यूलेटिंग सिग्नल कहते हैं, उसके
के साथ में सुपर इम्पोज करते हैं। जो मॉड्यूलेटिंग सिग्नल है वो लो फ्रिक्वेंसी सिग्नल है और उसमें जो भी वेरिएशन होते हैं उसके हिसाब से हम कैरियर वेव के या तो एम्पलीट्यूड को वेरी करें या फ्रिक्वेंसी को वेरी करें या फेज को वेरी करें। तो हम इस मॉड्यूलेटिंग सिग्नल को हाई फ्रिक्वेंसी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स पर सुपर इम्पोज करना या उस पर चढ़ाना उसको हम मॉड्यूलेशन बोलते हैं। और फिर हम उस मॉड्यूलेटेड वेव को ट्रांसमिट करते हैं एंटेना से, दिस इज मॉड्यूलेशन। तो इसकी आवश्यकता क्यों है? क्योंकि लॉन्ग डिस्टेंस पर भेजना है और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जा सकती है। ये जो मॉड्यूलेशन होता है ये तीन प्रकार का होता है, एक एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन, दूसरा फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन और तीसरा फेज मॉड्यूलेशन। तीन प्रकार का होता है। तो अगर कैरियर वेव्स, हाई फ्रिक्वेंसी वेव्स को हम कैरियर वेव्स बोलते हैं, वाहक तरंगें बोलते हैं, तो उसके एम्पलीट्यूड को चेंज करते हैं मॉड्यूलेटिंग सिग्नल के हिसाब से, तो उसको हम एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन बोलते हैं। फ्रिक्वेंसी चेंज करते हैं तो फ्रिक्वेंसी मॉड्यूलेशन बोलते हैं। फेज चेंज करते हैं तो फेज मॉड्यूलेशन बोलते हैं। तो ये मॉड्यूलेशन के तीन प्रकार हैं। अगले वीडियो में हम समझेंगे कि ये तीनों किस प्रकार से डायग्राम से हम समझेंगे कैसे होता है मॉड्यूलेशन, और एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन का जो इक्वेशन है वो हम पढ़ेंगे। ये वीडियो आपको कैसा लगा बताइए।